व्रत या उपवास भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यह धर्म से जुड़ा ही है, सेहत के लिए भी बहुत कारगर है। डॉक्टर माधवी अग्रवाल के अनुसार उपवास से डाइजेस्टिव सिस्टम को फायदा होता है और बॉडी वेट भी घटाया जा सकता है। इससे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके लिए उपवास एडवांटेजियस हो सकता है और साथ ही हार्ट को हेल्दी रखता है, शरीर में हैप्पी फीलिंग और फ्रेशनेस महसूस कराता है, वेट रिड्यूस करने में मददगार है। इससे 10 दिन में नियरली 6 केजीज तक वेट कम किया जा सकता है। उपवास बॉडी सिस्टम को क्लीन करता है, हेल्थ बॉडी स्लीपिंग सिस्टम इम्प्रूव होता है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलने से बॉडी एक्टिविटीज बैलेंस्ड हो जाते हैं। यूँ तो उपवास कभी भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं या खाली पेट बहुत अधिक चाय पीते हैं। इससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। आमतौर पर जो उपवास रखा जाता है उसमें लोग अन्न या मांसाहार से दूर रहते हैं। धार्मिक आस्था और मान्यताओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले उपवास में खाने पीने की कुछ चीज़ें चलती है, कुछ नहीं। अगर उपवास का अर्थ पूरे समय भूखा रहना नहीं है तो उपवास के दौरान कुछ खास तरह की चीज़ें खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो खाने से बॉडी को विटामिन सी और पोटेशियम मिलता है। वैसा ही एप्पल भी उपवास के लिए अच्छा फल है। दूध और सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ अखरोट उपवास में खाना लाभदायक होता है, क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड है। उपवास के दौरान सबसे बड़ा खतरा बॉडी में वाटर कंटेंट कम होना। कई लोग व्रत के दौरान हेडेक या चेस्ट में जलन फील करते हैं। डायबिटीज और लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स उपवास नहीं करना बेटर है। अगर वेट रिडक्शन के लिए उपवास कर रहे हैं तो अपने ब्लड प्रेशर पर लगातार नज़र रखना चाहिए। इंसान जब खाना बंद कर देता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। इससे ब्रेन और हार्ट की तुलना में बॉडी धीमी हो जाती है। इस तरह शरीर को चलाने के लिए बॉडी में ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड फैट को बर्न करके बॉडी एनर्जी क्रिएट करता है, जिस एनर्जी से हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड फैट बर्न होने से बॉडी हेल्दी रहता है, इसीलिए उपवास से वेट रिड्यूस कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।